अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है एक्सीडेंट फैलेसी। ठीक है, इनफॉर्मल फैलेसीज चैप्टर है हमारा, चैप्टर नंबर 4। उसका 4.2 टॉपिक है एक्सीडेंट फैलेसी। एक्सीडेंट फैलेसी की डेफिनेशन है, सबसे पहले तो एक्सीडेंट फैलेसी इज़ अ लॉजिकल फैलेसी। ठीक है, एक्सीडेंट फैलेसी क्या है? एक लॉजिकल फैलेसी है, मीनिंग अ रीजनिंग एरर that weakens the argument being made in which generalization is applied to a situation where in reality it does not apply। तो एक्सीडेंट फैलेसी क्या है? एक्सीडेंट फैलेसी एक हमारी लॉजिकल फैलेसी है, मतलब लॉजिकल मिस्टेक होती है, वहाँ पर लॉजिकल एरर आ जाता है। मीनिंग क्या हुआ इज़ अ लॉजिकल फैलेसी का, कि एक ऐसी रीजनिंग एरर है कि जो हम रीजनिंग देते हैं उस चीज़ में कुछ ना कुछ एरर आ जाता है, वो एरर वीक कर देता है हमारे आर्गूमेंट को। जो भी आर्गूमेंट हम किसी सिचुएशन के अकॉर्डिंग देते हैं कि ये हमारी सिचुएशन है, इसके लिहाज से हमारा ये आर्गूमेंट है। ठीक है, जितना हमारा आर्गूमेंट स्ट्रॉन्ग है, तो उस आर्गूमेंट जो हमारा स्ट्रॉन्ग आर्गूमेंट है, उस स्ट्रॉन्ग आर्गूमेंट को वीक कर देती है। टू अ स्ट्रॉन्ग आर्गूमेंट बीइंग मेड इन विच जनरलाइजेशन इज अप्लाइड, इन विच जहाँ पे जनरलाइजेशन हम अप्लाई करते हैं किसी सिचुएशन पे, हम कोई भी पैटर्न होता है हम जनरलाइज कर लेते हैं फॉर्म को, लेकिन वो जनरलाइजेशन हमारी रियलिटी पे एक्ट नहीं करती। ठीक है, वेयर इन रियलिटी इट डज़ नॉट अप्लाई, के रियलिटी में वो अप्लाई नहीं करती। सिमिलरली रॉबर्ट बर्टन राइटली सेज दैट नो रूल इज़ सो जनरल, कोई रूल इतना जनरल नहीं होता विच एडमिट्स नॉट सम एक्सेप्शन। ओके, नो रूल इज सो जनरल विच एडमिट्स नॉट सम एक्सेप्शंस, कुछ चीज़ों के सिवा हम कोई रूल इतना जनरल नहीं है विच एडमिट्स नॉट सम एक्सेप्शंस। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास एक्सीडेंट फैलेसी मे अकर व्हेन वी रिफ्यूज पार्टिकुलर्स विद कैटेगोरियल स्टेटमेंट्स ऑलवेज और एवरीवेयर। जब हम रिफ्यूज़ कर देते हैं कुछ ऐसी स्टेटमेंट से, जो हमारी स्टेटमेंट्स होती हैं कि हमेशा ऐसा होता है या हर जगह ऐसा होता है, हम उस चीज़ से रिफ्यूज़ कर देते हैं। ठीक है, एक्सीडेंट फैलेसी में व्हेन वी कंफ्यूज पार्टिकुलर्स, जब हम उस चीज़ पे कंफ्यूज हो जाएं कि क्या वाकई डेली ऐसा होता है, वाकई एवरीवेयर ऐसा होता है, तो वो एक लॉजिकल फैलेसी है हमारी। ठीक है, लॉजिकल एरर है, रीजनिंग एरर होता है। द यूज़ ऑफ द क्वालिफाइंग वर्ड्स सम मैनी रेयरली मस्ट बी अवॉइडेड टू मेक द जनरलाइजेशन, के ये वाले वर्ड्स हम अवॉइड करते हैं जनरलाइज करने के लिए किसी भी स्टेटमेंट को। वी कैन अवॉइड एक्सीडेंट फैलेसी थिंकिंग क्रिटिकली अबाउट जनरलाइज्ड स्टेटमेंट्स। ठीक है, हम अवॉइड करते हैं एक्सीडेंट फैलेसी को क्रिटिकली किसी भी चीज़ की थिंकिंग को करने के लिए, जनरलाइज स्टेटमेंट जो भी है उसको क्रिटिकली थिंक करने के लिए हम एक्सीडेंट फैलेसी को अवॉइड करते हैं, कि हम इस फैलेसी को अवॉइड करते हुए हम देखें कि ये जनरलाइज स्टेटमेंट क्या कहती है, हम उस पर क्रिटिकली सोचते हैं। इट इज़ रॉन्ग टू एक्सेप्ट देम एट देयर फेस वैल्यू। ओके, इट इज़ नेसेसरी टू सी वेदर दीज आर एप्लीकेबल टू द सिचुएशन, ये चीज़ ज़रूरी है कि हम देखें कि क्या ये चीज़ वाकई ही हमारी सिचुएशन पे एप्लीकेबल है, हम इसको अप्लाई कर सकते हैं। यू आर इवेल्यूएटिंग, जो चीज़ आप इवेल्यूएट करते हो क्या वो आपकी सिचुएशन पे अप्लाई भी होती है, वो एप्लीकेबल है या नहीं, इस चीज़ को मद्देनज़र रखना या इस चीज़ को देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इट इज़ इम्पोर्टेंट टू एडमिट इट दैट जनरलाइज स्टेटमेंट्स हैव एक्सेप्शंस, ये ज़रूरी है कि हम इस बात को एडमिट करें कि जनरलाइज स्टेटमेंट्स हैव एक्सेप्शंस। एक्सीडेंट फैलेसी इज़ अ टाइप ऑफ इनफॉर्मल फैलेसी, इनफॉर्मल फैलेसी की एक टाइप है। इट्स लेटन नेम, एक्सीडेंट फैलेसी का ही लेटन नेम है हमारे पास, मतलब लातीनी नाम इज़ डिक्टो सिंप्लिसिटर। द अदर नेम्स यूज फॉर द एक्सीडेंट फैलेसी आर, एक्सीडेंट फैलेसी के लिए और दूसरे नाम्स भी हम यूज़ करते हैं, जिसमें आ जाते हैं हमारे पास डिस्ट्रॉइंग द एक्सेप्शन फैलेसी, फैलेसी ऑफ जनरल रूल एंड द फैलेसी ऑफ स्वीपिंग जनरलाइजेशन। द अपोजिंग काइंड ऑफ द एक्सीडेंट फैलेसी इज कन्वर्स एक्सीडेंट फैलेसी, इट इज़ वन ऑफ द 13 फैलेसीज ओरिजिनली आइडेंटिफाइड बाई एरिस्टोटल इन हिज वर्क ऑन सोफिस्टिकल रेफ्यूटेशंस। ओके, 13 फैलेसीज थी ओरिजिनली, ये उनमें से एक है जो 13 फैलेसी थी हमारे पास, जो आइडेंटिफाई की थी एरिस्टोटल ने इन हिज वर्क ऑन सोफिस्टिकल रेफ्यूटेशंस पे काम करते हुए, उसने 13 फैलेसीज आइडेंटिफाई की। उन 13 फैलेसीज में से हमारी एक फैलेसी है। एग्जांपल्स हैं हमारे पास, नंबर 1 कटिंग पीपल विद नाइव्स इज अ क्राइम। ओके, कटिंग पीपल्स विद नाइव्स इज अ क्राइम। सर्जन कट पीपल विद नाइव्स। ओके, ये लोगों को नाइव्स के साथ काटना एक क्राइम है, एक जुर्म है, जबकि सर्जन्स कट पीपल विद नाइव्स,
सर्जन्स पीपल को कट करते हैं विद नाइफ, मतलब सर्जरी करते हैं. दिस इम्प्लाइज सर्जन्स आर क्रिमिनल्स. तो सर्जन्स क्या हुआ है इस लिहाज से, क्रिमिनल्स. ये एक हमारी एग्जाम्पल है किसकी, एक्सीडेंट फैलेसी की. इन दिस केस इट वुड बी इलॉजिकल टू आर्ग्यू दैट द सर्जरी इज रॉन्ग इन विच पीपल आर कट विद नाइफ्स. ओके, कहते हैं लॉजिकली ये इलॉजिकल है कि हम इस चीज़ पे आर्ग्यू करें दैट द सर्जरी इज रॉन्ग. वो सर्जरी रॉन्ग है इन विच पीपल आर कट विद नाइफ. सर्जरी इज एन ऑब्वियस एक्सेप्शन एंड ऑलमोस्ट ऑल ऑफ अस नो दैट. सेकेंड वन एग्जाम्पल है हमारे पास, इन मोस्ट केसेज इट इज़ ट्रू दैट द एक्सरसाइज इज़ गुड फॉर हेल्थ. ठीक है, ज़्यादातर केसेज में हमें ये पता है, ये चीज़ ट्रू है कि एक्सरसाइज हेल्थ के लिए बहुत अच्छी होती है. पीपल रिमेन एक्टिव थ्रू रेगुलर एक्सरसाइजिंग. लोग रेगुलर एक्सरसाइज के ज़रिए फिट रह सकते हैं, एक्टिव रह सकते हैं. हाउएवर इफ़ यू आर वेरी सिक, अगर आप बहुत ज़्यादा बीमार हैं, से यू हैव निमोनिया, क्या आपको निमोनिया हुआ, एक्सरसाइज इज़ नॉट गुड एट ऑल, तो फिर एक्सरसाइज गुड नहीं है. इट मे हाइंडर यूर रिकवरी, कि वो आपकी रिकवरी को छुपा देगी. ठीक है, आपकी रिकवरी के प्रोसेस को स्लो डाउन कर देगी. नंबर थ्री, ह्यूमन बींग्स हैव द एबिलिटी टू हेयर साउंड्स. ह्यूमन्स में ये एबिलिटी होती है कि वो साउंड्स को सुन सकते हैं. देयरफॉर ऑल पीपल आर कैपेबल ऑफ हेयरिंग साउंड्स. तो फिर इसका लिहाज, इसका मतलब क्या कि इंसान, ह्यूमन बींग्स जो हैं वो एबिलिटी रखते हैं कि वो आवाज़ को सुन सकें. ठीक है, अल्लाह ताला ने उनको ये एबिलिटी दी है कि वो सुन सकें. तो उसने इस चीज़ से क्या कंक्लूड किया कि तमाम लोग जितने भी हैं, तमाम पीपल हैं जितने भी हमारे पास इंसान हैं, आर कैपेबल, उनमें ये काबिलियत है कि वो सुन सकते हैं. लेकिन असल में ऐसा नहीं है. कुछ लोग ऐसे भी हैं जो हेयरिंग डिसेबिलिटी होती है जिनको, ठीक है, वो नहीं सुन सकते. द जनरल रूल इज मिस टेकनली अप्लाइड. तो ये जो जनरल रूल बना है हमारे पास, देयरफॉर ऑल पीपल आर कैपेबल ऑफ हेयरिंग साउंड, इट इज़ बेसिकली रॉन्ग. तो क्या कहता है हमारे पास, द जनरल रूल इज मिस टेकनली अप्लाइड. ये मिसटेकनली अप्लाई हुआ है, मिसटेक के जरिए अप्लाई हुआ है, मतलब गलती है इसमें कोई ना कोई, ठीक है, मिस्टेक हो गई थी उनसे. मैनी पीपल हैव हेयरिंग डिसेबिलिटी, के कुछ लोगों में डिसेबिलिटी भी होती है हेयरिंग की, कि वो नहीं सुन सकते. कुछ लोग कम सुनते हैं, कुछ लोग बिल्कुल ही नहीं सुनते. सो टेकिंग लाइफ, नंबर फोर एग्जाम्पल है हमारे पास, टेकिंग लाइफ इज़ क्राइम एंड मॉरली रॉन्ग. देयरफॉर टर्माइट कंट्रोल इज़ अ क्राइम एंड मॉरल रॉन्ग. नंबर फिफ्थ एग्जाम्पल है सिमिलरली हमारे पास, बर्ड्स कैन फ्लाई, देयरफॉर ईमस मस्ट बी एबल टू फ्लाई टू, कि बर्ड्स जो हैं वो फ्लाई करती हैं, तो ईमस मस्ट बी एबल टू फ्लाई टू. नंबर सिक्स, नट्स आर प्रूवन फॉर अ वैरायटी ऑफ द हेल्दी बेनिफिट्स टू पीपल, डज एवरीवन शुड बी ईटिंग नट्स. कि नट्स जो हैं वो अच्छे होते हैं, प्रूफ है कि वो वैरायटी हमारी गुड बेनिफिशियल, हमारी गुड हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल हैं. ठीक है, लोगों के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल हैं. फॉर अ वैरायटी ऑफ हेल्दी बेनिफिट्स टू पीपल, लोगों को हेल्दी वैरायटी देते हैं, किस चीज़ की, हेल्दी बेनिफिट्स की. ठीक है, दस एवरीवन शुड बी ईटिंग नट्स. तो हर किसी को नट्स खाने चाहिए, या हर किसी को हेल्दी रहने के लिए नट्स यूज़ करना चाहिए. ओके, ये था हमारा एक्सीडेंट फैलेसी. नेक्स्ट इज वन, इसके शॉर्ट क्वेश्चंस हैं. राइट टू अल्टरनेटिव नेम्स ऑफ एक्सीडेंट फैलेसी है, विच इज़ अ प्रोमिनेंट प्रॉब्लम है एक्सीडेंट फैलेसी. व्हाट इज़ रॉबर्ट बर्टन कोटेशन अबाउट एक्सेप्शंस. ठीक है, रॉबर्ट बर्टन की क्या कोटेशन थी, अभी हमने ऊपर देखा था, नो रूल इज सो जनरल विच एडमिट नॉट सम एक्सेप्शन. सिमिलरली MCQs हैं इसी टॉपिक के. ये था हमारा आज का टॉपिक, होपफुली सबको समझ आ गई होगी. अल्लाह हाफिज़.